दिनेश शर्मा ने कहा है कि चीन पाकिस्तान नहीं चाहते कि यूपी में भाजपा की सरकार आए। कौन नहीं चाहता? चीन पाकिस्तान। ये डिप्टी सीएम किसने बना दिया इनको? इनको कूड़े का काम और नाली साफ का काम दोबारा दे देना चाहिए। इनको कूड़े का काम और नाली साफ का काम दोबारा दे देना चाहिए। गौर से देखिए, ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, और ये ब्राह्मण समाज से आने वाले उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के बारे में इतना स्तरहीन बयान दे रहे हैं। इनको कूड़े का काम और नाली साफ का काम दोबारा दे देना चाहिए। यही नहीं, साफ सफाई के काम से जुड़े हमारे भाइयों का भी अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव। पहले संत समाज, फिर ब्राह्मण समाज, और अब साफ सफाई के काम से जुड़े हमारे भाइयों के खिलाफ जहर उगलकर अखिलेश जी ने सिद्ध कर दिया है कि ये बस नाम के समाजवादी हैं। कूड़े और नाली सफाई से जुड़े हमारे भाइयों के लिए इनके मन में कितना जहर है, इनके चेहरे से ही झलक रहा है। इनको कूड़े का काम और नाली साफ का काम दोबारा दे देना चाहिए। ये विरासत में मिली राजनीति की हनक ही है कि अखिलेश जी के सामने चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसकी कोई इज्जत नहीं। अरे अखिलेश जी, जनता भूली नहीं है कैसे आपने अपने पिता और चाचा की बेइज्जती की थी। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। अखिलेश यादव के लक्षण भी यूपी की जनता पहले ही देख चुकी है। ये अखिलेश जी के मन का मैल ही है कि साफ सफाई करने वालों को ये ओछी निगाह से देखते हैं, मानो वे कोई गंदा काम करते हों। अखिलेश जी, आपको बताना चाहूँगा कि ये सफाई का काम है, मेहनत से कमा कर खाने वाले लोग हैं ये। आपकी तरह मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। एक ये है जो साफ सफाई करने वाले हमारे भाई बंधुओं के लिए ऐसी ओछी मानसिकता रखते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने प्रयागराज कुंभ के दौरान स्वच्छाग्रहियों के पांव पखार कर उनका मान बढ़ाया था। यही फर्क है दिखावटी दल सपा और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलने वाली भाजपा सरकार में। अखिलेश जी, यूपी की जनता आपकी हर चाल अच्छे से समझती है। आने वाले चुनाव में आपकी इस समाज को तोड़ने वाली, लोगों का अपमान करने वाली ओछी सोच का हिसाब जरूर करेगी।